लगवा दिए। बोले बेटा आज मुझे रामदास यादव, रामदास यादव पहचानते हैं, पहचान जाएंगे। भैया कैसे क्या हुआ? अरे सर वही मारा है, क्या नाम है, होम गार्ड। कौन सा होम गार्ड? यहाँ ड्यूटी पर था। नहीं सर, अपने काम से आया, वो गार्ड को आकर मारने लगा। नहीं तो क्यों मारने लगा, आपने रोका नहीं? सर मैं पूछा कि क्या बात है, बोला कुछ बोला नहीं, मारने लगा। अच्छा, कुछ पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा था आपसे? पैसे मांग रहा था। कितने पैसे? 500 रुपए। क्या आपने उसका नाम नाम तो नहीं देखा? जी, उसके बाद रास्ते में वहाँ पहले चौकी पे पैसे लिया 500 रुपए। जी, उसके बाद इधर आगे आने के बाद यहाँ फिर होमगार्ड और पुलिस और बाइक से आया। उसके बाद वो भी पैसे मांगने लग गया। हम बोले पैसे दिया पीछे, अभी हम नहीं देंगे, हमारे पास है नहीं। तो बोला क्यों नहीं देगा? इसके बाद हमको उसमें गाड़ी मारा पहले, उसके बाद हम बच गए। इसके बाद फिर इसमें आके हमारे जो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर उसको मारने लग गया और बोला हमारे पास पैसे नहीं है, उसको गेट खोल के मारा, उसका सर फाड़ गया। इसके बाद इसको मार दिया, कंडक्टर का हाथ टूट गया है। अच्छा, आपके भी कहीं लगा हुआ है? हमारे सर अंगुली में लगा है पूरा, ये देखिए एकदम पूरा, दोनों अंगुली में लग गया है। अच्छा, कितने रुपए आपसे मांग रहे थे? 500 रुपए। अच्छा, किस चौकी पर था ये मामला? ये ये मतलब है, मैं चौकी से निकल रहा था तो वहाँ पैसा मांगे, मैंने 500 रुपये वहाँ दिया जी। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकाल दिए, यहाँ पे आकर के एक पुलिस और एक होमगार्ड दो लोग खड़े थे, वो लोग भी पैसा मांग लेने। हमने यही कहा कि हमने पीछे पैसा आपकी चौकी पर दे दिया है, तो उसने जब इतने कहा बोला यहाँ भी देंगे, हमने कहा पैसे हम नहीं है, बदूती मारना शुरू कर दिए। अच्छा, किस चीज से मारा आपको? इसलिए मारा कि तुमने जो पैसे दिला देने के कहा। किस चीज से मारा आपको? लाठी डंडे से। लाठी डंडे से जो अपने पास वो भेज रखे रहते थे। एक ट्रक नो एंट्री में घुस आया था, जिसे ड्यूटी रत होमगार्ड ने रोका था कि इधर से नहीं जाना है। तो ट्रक को बैक करने में, और चूंकि वो गलत तरीके से घुस आया था, तो जब उसके कंडक्टर को बुलाया गया तो डर करके भागने लगा, तो उस संबंध में संभवतः उसको कोई चोट आ गई थी। क्योंकि इसकी किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, कोई थाना कोतवाली पर या कहीं कोई आया भी नहीं,